गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. बेसिकली आज मेरे एक IVF की पेशेंट है, वो बहुत हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा वेट है उसका, ठीक है, ऑलमोस्ट अप टू 100 kg, और वो डायबिटीज है उसको और हाइपरटेंशन भी है प्लस IVF प्रेगनेंसी, इसलिए हम लोग उसका 37 weeks में सिजेरियन कर रहे हैं. प्लान सिजेरियन है अभी मॉर्निंग के ऑलमोस्ट 9 बजे, आज की 9 तारीख है, 9 फरवरी. पेशेंट ने खुद उसके चॉइस से डेट निकाला है. आज के व्लॉग में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि सिजेरियन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद पीडियाट्रिशियन आपकी बेबी को कैसे चेक करते हैं. बेबी डिलीवरी टाइम 14 मिनट. कॉन्ग्रेचुलेशन बेबी गर्ल. बेबी हमने रिसीव किया है. सबसे पहले स्टेप होती है बेबी को ड्राई करना, क्लीन करना, ताकि उसका रेस्पिरेशन एस्टैब्लिश हो सके. अभी आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने इनका हेड क्लीन किया है, उसके बाद उनके बाकी बॉडी पार्ट्स हम लोग ड्राई कर रहे हैं और बेबी साइड बाय साइड क्राई करने के लिए शुरू कर दिए हैं. जब बेबी क्राई करता है इसका मतलब बेबी का रेस्पिरेशन शुरू हो चुका है. लगभग 90% बेबी जो है वो पैदा होने के तुरंत बाद क्राई करते हैं, जिनको कोई एडिशनल मदद की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन 10% जो बेबीज होते हैं उनको अगर क्राई नहीं किए तो उनके लिए न्यूबॉर्न रीससिटेशन लगता है, मतलब हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना होता है. अभी ये सब करते हुए हमें साइड बाय साइड ये भी देखना है कि बेबी ब्रीदिंग कैसे ले रहे हैं. तो ये बेबी अभी स्टेबल ब्रीदिंग ले रहे हैं, इसलिए इनको एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं. इन केस अगर आपको लगता है कि बेबी ब्रीदिंग नहीं करे तो उस समय इसको हम लोग सक्शन करते हैं और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग एस्टेब्लिश करते हैं. अभी नेक्स्ट स्टेप आएगी, इनको हमें देना है इंजेक्शन विटामिन के. बेबीज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ब्रेन हिमरेज और बाकी ब्लीडिंग की टेंडेंसी, जो कि यूजुअली 1st 7 days या फिर 1st month ऑफ लाइफ में आती है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि बेबी को इंजेक्शन विटामिन के दिया जाए तुरंत आफ्टर बर्थ. बेबी को हमने इंजेक्शन विटामिन के दिया है.
ये बेबी का वेट है 2.85 जो कि अच्छा है। अभी हम बेबी को टेम्परेरी रैप करके मम्मी को दिखाएंगे। तो बेबी जब माँ के पास आता है मम्मी काफी रिलैक्स महसूस करती है बेबी का टच देखे दिख रहा है। अभी बाहर दिखाते हैं। ओके कांग्रेचुलेशंस। आप जेंडर कंफर्म कीजिए कि बेबी गर्ल है। ठीक है मम्मी को दिखाएं अंदर। अभी हम ऑब्जर्वेशन के लिए अंदर रखते हैं। हमें बेबी का रेस्पिरेशन और सैचुरेशन लेवल देखना होगा। ठीक है अभी हम बेबी को वार्मर के अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रख रहे हैं ताकि बेबी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जल्दी से। और साइड बाय साइड हमें बेबी का ब्रीदिंग पैटर्न भी मॉनिटर करना है कि बेबी को कुछ तकलीफ तो नहीं होना। ये वार्मर सर्वो कंट्रोल्ड है जो कि बेबी के स्किन के टेम्परेचर को नापता है और उसके अकॉर्डिंगली हीट कम या ज्यादा करता है। मेरा नाम है डॉक्टर अनिल खामकर और मैं न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ उमंग हॉस्पिटल में। आज आपने देखा कि बेबी की डिलीवरी होने के बाद उसको किस तरीके से ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से उनका रेस्पिरेशन ब्रीदिंग पैटर्न चेक किया जाता है, जरूरत पड़ने पर उनको कौन से तौर की ट्रीटमेंट दी जाती है और बेबी मम्मी को कैसे दिखाया जाता है। आई होप कि आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया है। थैंक यू।